EMB के नाम से किया जा रहा, सारे के सारे मेजरमेंट ऑनलाइन इसमें जो है वो फीड किए जाते हैं। उस मेजरमेंट के बेस पे कॉन्ट्रैक्टर का बिल जनरेट होता है, वो बिल जनरेट होने के बाद मेल से जो संबंधित एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर है उनको भेजा जाता है। जब वो यस कर देता है तो वो बिल फिर जो जेई के बाद असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है और पास होकर उसको ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो सारी चीज़ बहुत ही पारदर्शी ढंग से की जा रही है और UPPWD प्रदेश में नहीं पूरे देश का ऐसा प्रथम विभाग है जहां मेजरमेंट को EMB के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जितने भी निर्माण कार्य हमारे हैं उस सब की हम यहीं इस डैशबोर्ड पर किसी भी काम को खोलेंगे तो उस काम को खोलते ही हमको मालूम चल जाएगा कि उसकी फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है। यदि हम किसी भी खंड का किसी भी मंथ में देखना चाहेंगे कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है तो हम उस कमिश्नरी का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस खंड का नाम डाल जैसे इसमें क्लिक करेंगे ये आ जाएगा उसने इस महीने में कितना किया है। हम देखना चाहेंगे पूरे फाइनेंशियल में कितना उसने भुगतान किया, पूरे फाइनेंशियल का आ जाएगा। तो फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस किसी भी काम की, किसी भी खंड की, हम इसी डैशबोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं। ये सेम इसी तरह का डैशबोर्ड माननीय डिप्टी CM और गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी रहेगा, हर चीज़ की मॉनिटरिंग वहीं से कर सकेंगे जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। अब हमने आदेश किए हैं कि उन सबके फोटोग्राफ भी इसी सिस्टम पर लोड किए जाएंगे, जितने टेस्ट करेंगे लोग सड़क के निर्माण के वो भी इसमें अपलोड किए जाएंगे तो हम भी उनको कभी भी देख सकते हैं। तो इस तरह के सारे काम करने के बाद इस दिशा में लोक निर्माण विभाग ने बहुत एक लंबी छलांग लगाई है। अब अगला प्रयास हमारा है कि हम जितने भी एस्टिमेट भी फिजिकली बनाते हैं उन सबको भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन एस्टिमेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो सर्किल लेवल, चीफ ऑफिस एंड फाइनली ENC कॉलेज में आएंगे। तो यदि उसमें कोई कमी है तो वो फिजिकल की बजाय ऑनलाइन ही उनको बताया जाएगा और सब कुछ ठीक होने के बाद वो गवर्नमेंट को रेफर होंगे सैंक्शन होने के।